हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। शंभू बॉर्डर पर इन दिनों पंजाब सरकार के खिलाफ ट्रक यूनियन सड़कों पर बैठी है, जिसकी वजह से हाईवे भी जाम हो गया है। हाईवे जाम होने की वजह से आम जनता को तो आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब इसका सीधा साधा असर व्यापारियों पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापारी व्यापार में हो रहे नुकसान को लेकर भी चिंता में दिखाई दे रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर इन दिनों पंजाब सरकार के खिलाफ ट्रक यूनियन हड़ताल पर बैठी है और यूनियन की ओर से कहा गया है कि जब तक पंजाब सरकार ट्रक यूनियन को बहाल नहीं कर देती, तब तक वे सड़कों पर ऐसे ही डटे रहेंगे। इसकी वजह से हाईवे भी जाम हो गया है। आम जनता को तो हाईवे से निकलने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अब इस हड़ताल का असर व्यापारियों पर भी देखने को मिल रहा है। मीडिया से बात करते हुए कपड़ा व्यापारी ने बताया कि उनका माल जो कि लुधियाना से आना है वो आ नहीं पा रहा है और सर्दी का सिर्फ एक ही महीना होता है माल बेचने के लिए, ऐसे में उन्हें लगभग करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। वहीं सोने के व्यापारी ने बताया कि इसकी वजह से सभी को भारी नुकसान पहुंच रहा है और जो कस्टमर दूर से आता था अब वो नहीं आ रहा है। इसकी वजह से सभी सुनारों को लगभग 10 से 12 करोड़ का नुकसान हो गया है। वहीं दूसरी तरफ हाईवे जाम होने की वजह से आम जनता को भी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जनता कई किलोमीटर तक पैदल चलने को मजबूर हो रही है। मीडिया से बात करते हुए लोगों ने बताया कि वो पिछले काफी समय से इस जाम में फंसे हुए हैं, उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही उन्हें कोई सुविधा भी उपलब्ध नहीं हो रही है। लोगों का कहना है कि ठंड बहुत ज्यादा है और खाने पीने की कोई सुविधा भी नहीं है। अम्बाला से हमारे विशेष संवाददाता सुरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। शंभू बॉर्डर पर जाम जो है फिलहाल वो लगा हुआ है, व्यापारियों को किस प्रकार का नुकसान हो रहा है? शंभू बॉर्डर पे पिछले लगभग 3 दिनों से जाम लगा हुआ है, सारे रास्ते ब्लॉक हैं, कहीं भी नहीं जा सकते। उससे अम्बाला के व्यापारियों को बहुत नुकसान हो रहा है। हमारे जो व्यापारी हैं यहाँ से पंजाब में बिल्कुल नहीं जा सकते और डेली यहाँ से पंजाब हिमाचल में बहुत ही हमारे कपड़े के व्यापारी जाते हैं, सोने चांदी का काम करने वाले व्यापारी जाते हैं और पंजाब से अमृतसर से लुधियाना से जालंधर से भी हमारे पास व्यापारी आते हैं सोने चांदी का सामान लेकर, लेकिन पिछले 3 दिनों से वो नहीं आ रहे। तो मेरी एक ही निवेदन है भगवंत मान सरकार से, पंजाब की सरकार से, कि जल्दी से जल्दी ट्रांसपोर्टरों के साथ मिल बैठकर इस का समाधान निकालें, ताकि त्राही त्राही जनता कर रही है। हाँ, मैंने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे गाड़ियों में से उतर उतर कर पैदल चल रहे हैं फैमिलीज के साथ इतनी ठंड के अंदर, तो ये सारा खामियाजा जनता भुगत रही है। सरकारों को क्या फर्क पड़ता है? ट्रांसपोर्टरों की जो जायज मांगे हैं भगवंत मान सरकार को जल्दी माननी चाहिए और इसका जल्दी से जल्दी कोई सलूशन निकालना चाहिए। अगर अंदाजे की बात करें तो कितने रुपयों का नुकसान जो है वो रोजाना हो रहा है? लगभग अगर हम अंदाजा की बात करें, कपड़ा और सोने का ही व्यापारी इतना जाता है, कम से कम 10 करोड़ रुपए तो अम्बाला अम्बाला में जो हमारी टर्नओवर है उसको नुकसान हो रहा है। शंभू बॉर्डर फिलहाल बंद है, किस प्रकार की परेशानियां जो है वो व्यापारियों को हो रही है? ऐसा ही पंजाब गवर्नमेंट ने जो ट्रांसपोर्ट के ऊपर जो कोई भी टैक्स लगाया जो भी करा है वो गलत है, तो इसलिए है कि रास्ता रोकने से जो हरियाणा का जो दिल्ली का है कोई भी व्यापारी है यूपी का है चाहे उसको बड़ा नुकसान हो रहा है, जिससे कि ये सीज़न का काम है, एक महीने का काम रह गया बस अब गर्म का, जिससे कि माल ना जा सकते हैं ना कहीं भेज सकते हैं, वही परेशान है पंजाब वाले। हम तो पंजाब की गवर्नमेंट को यही कहते हैं कि इसने कसो कोई हल करो ट्रांसपोर्ट वालों का, जिससे कि रास्ता बंद हुआ खुल जाए। इससे पता क्या है जी, जो सवारी आ रही है बच्चे हैं साथ, ठंड का मौसम है, रात को हम देखते हैं यहाँ अपना जग्गी सेंटर पे बड़े परेशान रहते हैं, बस से उतर जाते हैं आगे बस नहीं मिलती, आगे इन्होंने जाम लगा रखा है, जिससे कि सारे सबको परेशानी है, यात्री को भी परेशानी है, व्यापारी को भी परेशानी है, सबको परेशानी हो रही है इसमें। हम तो यही कहना चाहते हैं कि जो पंजाब गवर्नमेंट है इस पर कुछ इनका कोई हल करे जी, जिससे ये रास्ता खुल जाए। अगर एक अंदाजा लगाएं तो कितने रुपए का नुकसान जो है वो व्यापारियों को? कहीं करोड़ का नुकसान है रोज का, कहीं करोड़ का।
होना चाहो गर्म का माल, ये महीने का सीजन है बस, इसके बाद किसने लेना है, वही खाने में लग जाएगा माल। इसलिए कि जो अब बड़ा है माल, कुछ जो डिमांड होती है गाहक की वो लेने जाते हैं और रास्ता बंद है, इसलिए हौजरी वाले ही परेशान हैं, हम भी परेशान हैं, दोनों व्यापारी दोनों परेशान हैं। इन तो ठीक है, रास्ता खुल जाएगा। क्या नाम है, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से जाना है? जसपाल नाम है जी, दिल्ली से आया जी, सनाम जाना है, जिला संगरूर जी। कब से ऐसी एग्जाम है देखते हैं? हम कल से अड़े हुए जी, ना रोटी ना कोई खाना ना कुछ जी। मांग तो यही है जी, अपने रास्ता खोल दो जी, भी असी भग जाऊंगे जी, कल ना मासा वाला जी घरे बनाऊंगा जी। उसका मसा हल है, उसका वो कहने बिहार कर दो जूनियर जी, हूँ सरकार नू पता ही की करना की नहीं करना जी, लोग परेशान हो रहे जी, आम जनता ज्यादा। क्या नाम है, कहाँ से आ रहे हैं? मेरा नाम जी करण कुमार है, हम वहाँ दिल्ली से आए हैं और यहाँ पंजाब में जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट संगरूर में। कल रात से यहाँ पर खड़े हुए हैं, बहुत दिक्कत आ रही है रोड पे, ठंड है एक तो बहुत ज़्यादा, कोई गाड़ी में सुविधा भी नहीं है, तो रोड वहाँ से जाम है, इधर से जाम है, कोई सुविधा नहीं है मिल रही, खाने पीने की कोई सुविधा नहीं है। हमारी तो यही प्रशासन से या सरकार से मांग है कि जो भी इनकी मांगे हैं उनको पूरी की जाए, तो हमको भी कोई रास्ता मिले जाने का घर, जहाँ चार पाँच दिन से बाहर ही घूम रहे हैं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।